वी विल बी बिगिनिंग विद अवर कंसेप्ट ऑफ पावर, और उसके बाद में थे इलास्टिक कोलिजन, आपको काफी डिटेल में है और वो हमारे काम भी बहुत आया करता है आगे चल के, उसके रिजल्ट्स हमारे बहुत काम के हैं। तो वो स्टार्ट करने से पहले पहले मैकेनिकल पावर बेटे क्या होता है इसके बारे में ब्रीफली जरा बात कर लें कि हम पावर को कैसे डिफाइन करेंगे और पावर टर्म बेटे है क्या। सो डियर चिल्ड्रन, जब भी हम पावर की बात करते हैं, पावर अदरवाइज और अनलेस और अदरवाइज, जब तक आप इलेक्ट्रिकल पावर ना कहें, वी ऑलवेज मीन दैट इट इज बीइंग डेल्ट विद मैकेनिकल टर्म्स, बेटा मैकेनिकल पावर की बात कर रहे हैं। और पावर जो है, पावर ऑफ ए सोर्स जो है बेटा, इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क बेटा, या कई बार हम बेटे ऐसे कह देते हैं, द रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर, द रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड बेटे पावर। तो आप जैसे मर्जी कह लो बेटा, इस तरीके से डिफाइन कर लो या इस तरीके से डिफाइन कर लो, बात एक ही है। और इन अदरवाइज टर्म्स बेटे, आपका जो पावर है इट इज बेटे इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय बेटा टाइम टेकन बेटा। और मैथमेटिकल टर्म्स में अगर हम बात करके देखें, पावर को पी से आप डिनोट करोगे, इट विल बी वर्क डन बेटे पर यूनिट टाइम। और स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करें, अगर मैकेनिकल पावर के कौन से स्टैंडर्ड यूनिट्स होंगे हमारे पास, आप बेटे वर्क डन को बेटे जाउल्स में मेजर किया करते हो एसआई सिस्टम में, एंड टाइम को आप बेटे सेकंड्स में मेजर किया करते हो। अगर बेटे आप पावर के यूनिट्स की बात करोगे तो ये जाउल पर सेकंड हो जाएंगे, आप इसको बेटे वॉट्स कह देते हैं। और अगर आपको कहीं वन वॉट को डिफाइन करना पड़े कि आप वन वॉट को डिफाइन कैसे करोगे बेटा, देन वी डायरेक्टली कैन से दैट पावर ऑफ ए सोर्स इज सेट टू बी वन वॉट इफ दैट सोर्स इज परफॉर्मिंग ए वर्क ऑफ वन जाउल इन बेटे वन सेकेंड बेटे। तो इसको मैं अगेन वही कहूंगा, डेफिनेशन को लर्न करने की, क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट विल बी हैविंग द mathematical concept with us and we will be converting it into the language form, that the work done if is 1 joule in 1 second, then the power of the source will be called as 1 watt bete. Watt ke bina bete hamare paas kuch aur bhi prominent units hain, we have 1 kilowatt, ye bete aapka 1000 watts ke barabar hota hai, keep this thing in mind. और स्टैंडर्ड डिनोशन में आप इसको 1 किलोवाट को 10 डेज पर 3 वॉट्स बोलते हो। देन बेटे वी हैव 1 मेगावाट, ये 10 डेज पर 6 वॉट्स, या आप इसको 10 डेज पर 3 किलोवाट कह सकते हैं। इन दोनों के बिना आपके पास एक स्टिल ट्रेडिशनल यूनिट है बेटा पावर का, दैट इज हॉर्स पावर। तो वी विल से दैट बेटा 1 horse power, this is equal to 746 watts. पुराने टाइम में आज से अगर बेटे 30-40 years back चले जाएं, 50 year back चले जाएं, ब्रिटिश रूल जब था, उस टाइम पर बेटे जो मशीन्स की पावर थी वो इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर मेजर किया जाता था। तो दैट्स वाई दिस यूनिट इज स्टिल बीइंग यूज्ड इन सम ऑफ द सिचुएशंस, बट अदरवाइज बेटा किलोवाट, मेगावाट एंड वॉट, दीज आर द स्टैंडर्ड एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स वी आर अडॉप्टिंग इन ऑर्डर टू मेजर द पावर ऑफ ए सोर्स बेटे। अब बेटे थोड़ा सा इस रिलेशनशिप पे फोकस करिए, इसमें हम थोड़ी सी अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं थोड़ा सा। कई बार आपको एग्जामिनेशन में, जैसे बेटे पावर की आप बात कर रहे हो, डब्ल्यू अपॉन टी आपने बोला,
वर्क डन पर सेकंड आपने या पर यूनिट टाइम कह दिया, और वर्क डन आप ऑलरेडी कर चुके हो बेटा, दैट इट इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर डिवाइडेड बाय बेटे टी, ये बात हमने ऑलरेडी की हुई है। अब थोड़ा सा फोकस करिएगा, एम आई एबल टू राइट इन दिस वे बेटे, ये ऐसे लिखा जा सकता है ना, टाइम आपका डिनोमिनेटर में है, आप जैसे मर्जी एडजस्टमेंट कर सकती हो बेटा, एंड दिस डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे पुत्र, ये आपको स्पीड दे देगा, वेरी राइट। सो पावर विल बी इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और बेटे आप इसको अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो, एफ बी कॉस ऑफ एंगल थीटा, तो अकॉर्डिंगली जैसी भी आपको जरूरत हो, न्यूमेरिकल वगैरह में आपको थोड़ी बहुत जरूरत पड़ सकती है बेटे इस रिलेशनशिप की। एज एन एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, वो कई बार कह देते हैं कि एक ट्रेन है, ट्रेन का इंजन इतना किलोग्राम वेट लेकर इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, व्हाट इज द पावर स्पेंट बाय द इंजन, समथिंग लाइक दैट बेटा। तो उन सारे केसेस में आपको इसकी जरूरत, रिलेशनशिप की जरूरत आपको पड़ सकती है, राइट बेटा। तो ये चीज कोई ज्यादा मतलब मुश्किल वाली नहीं, आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में ऑलमोस्ट किया ही हुआ ये, इट इज जस्ट अ रेपिटेशन ऑफ द प्रीवियस थिंग्स बेटा। चले आगे, अब इसके बाद बेटे हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इलास्टिक कोलिजन क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या है, और इन जनरल कोलिजन है क्या बेटा। आइए डियर चिल्ड्रन डिटेल में डिस्कशन करें, दैट व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म कोलिजन, एंड जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं तो क्या एक्चुअल में कॉन्स्टेंट रहता है, क्या वेरिएशन आती है, और कैसे हम सारा बेटे कर सकते हैं। Let us define collision. दो ऑब्जेक्ट्स बेटा या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट जो हैं, हम बोल देते हैं कि वो कोलाइड कर गए हैं, अगर उनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन जो है, जिस डायरेक्शन में वो प्रोपिगेट कर रहे हैं वो बदल जाए बेटे। दिया भाई, द बोर्ड इज नॉट विजिबल टू यू बेटा, एक बार आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करिए। ब्लैक बोर्ड तो नहीं होना चाहिए, अब देखो अब क्लियर है, यस दिया, अंजलि, सारे बच्चों को ही ब्लर आ रहा है। चलिए फिर डिस्कस करते, कोलिजन बेटे क्या चीज है। जब भी हम बेटे कोलिजन की बात करते हैं, हमारे माइंड में आ जाता है कि दो चीजें कोलाइड कर रही होंगी, दे मस्ट बी स्टिकिंग टू एंड देन गेटिंग सेपरेटेड बेटा। लेकिन बेटे ये जरूरी नहीं है कि कोलिजन के लिए बॉडीज का या ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट में आना जरूरी नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, पहले थोड़ा सा देखिएगा, ये इमेजिन कर लीजिए बेटा आपका एक बॉडी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आपने दे रखा है और ये ऐसे मूव कर रही है इस तरीके से, पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है ये, इधर एक और आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, ये इस तरफ मूव कर रहा है बेटा। अगर आप स्लाइटली देखें, स्लाइटली 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 इसका लाइन और इसका लाइन, थोड़ा सा फर्क आपको नजर आएगा, राइट। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल करते हैं, द मोमेंट इट विल बी रीचिंग ओवर हियर बेटा, आपका ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ इस तरीके से, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डिफ्लेक्ट हो जाएगा विदाउट बीइंग इन फिजिकल कॉन्टेक्ट बेटा। चार्जेस अगर सेम नेचर के हो तो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली कॉन्टेक्ट में आए, तो ये अपना पाथ चेंज कर जाएंगे, डिविएट कर जाएंगे, इसको भी हम कोलिजन ही बोलेंगे। और अदरवाइज बेटे मैकेनिकली तो चलो कोलाइड करेंगे ही करेंगे, एक ऑब्जेक्ट ये आ रहा है एक ये आ रहा है, तो ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ कोलाइड कर गए, कोलाइड करने के बाद दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग हो गई, इट विल बी कॉल्ड अ कोलिजन। यहाँ अगर सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, एक स्लो है एक फास्ट है, इवन देन दे विल बी coming in physical contact with each other
एंड आफ्टर द फिजिकल कॉन्टेक्ट दे मे बी गेटिंग सेपरेटेड, और उसको भी आप कोलिजन बोलोगे। बट ये चीज को अपने माइंड में फिक्स कर लीजिएगा कि कोलिजन के लिए जरूरी कंडीशन नहीं है कि आपकी बॉडीज फिजिकली कॉन्टेक्ट में आए, वो बिना कॉन्टेक्ट में आए भी कोलिजन शो कर सकती हैं इस तरीके से, राइट बेटा और नॉट। चलिए बेटे कोलिजन को डिफाइन कर लें। कोलिजन बेटे जो है इसमें आपके टू और मोर ऑब्जेक्ट्स जो हैं दे आर कोलाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर इफ दे रिजल्ट इनटू द इफ द इंपैक्ट रिजल्ट्स इनटू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन आफ्टर द इंपैक्ट बेटे। सो वी कैन से दैट इन कोलिजन बेटे टू और मोर ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू कोलाइड इफ देयर इज चेंज इन द वेलोसिटीज एंड डायरेक्शन आफ्टर द इंपैक्ट। इसमें हमारे पास बेटे बेसिकली दो तरह की कोलिजन्स होती हैं। वी हैव परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एंड बेटा डियर चिल्ड्रन वी हैव परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। एक सिर्फ इन इलास्टिक भी होता है, परफेक्टली वर्ड नहीं भी हम यूज करते, वो इन दोनों का इंटरमीडिएट फॉर्म में आ जाएगा या इन दोनों का मिक्स आ जाएगा। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट आल्सो। आइए वन बाय वन बात करके देखें इनके बारे में, कोलिजन इलास्टिक क्या है और इन इलास्टिक क्या है। बिफोर वी गो फॉर विद द टाइप्स इन डिटेल बेटे, जो आपका परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक है, इनके साथ रिलेटेड एक टर्म आती है बेटे, कोफिशियंट ऑफ रेजिलेंस और कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मैं पहले वो डिफाइन करना चाहूंगा बेटा, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको ई से डिनोट करते हैं बेटा। जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, एम वन इसका मास है, यू वन इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, राइट बेटे। और ये एक आपके पास एम टू मास का ऑब्जेक्ट है, यू टू इसकी वेलोसिटी है। अगर यू वन यू टू से बड़ा है, ये ज्यादा तेजी से अगर चल रहा है तो कोलाइड करेंगे डेफिनेटली, तो दे आर कमिंग इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। यहाँ पे कोलिजन हो गया बेटा दोनों के बीच में, और डियर चिल्ड्रन कोलाइड करने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज बदल जाती हैं, थोड़ा बहुत डायरेक्शन ऑफ मोशन में भी चेंज आएगा। ये आपका फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट एम वन जो है, ये वी वन वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है, सपोज कर सकते हैं हम। और दूसरे वाला ऑब्जेक्ट जो है, ये वी टू वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है आफ्टर द कोलिजन। बात कर रहे थे हम कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस की बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कोलिजन। पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं आपको बेटा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है, इट इज बेटे डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन टू द
velocity of approach before the collision. थोड़ा सा बेटे अब डायग्राम की तरफ देखिएगा. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, व्हाट डू वी मीन बाय दीज टर्म्स. ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है इस तरफ, और ये 5 मीटर पर सेकंड से उसी डायरेक्शन में. ये विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट बी, या इस ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू ये कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा होगा, देन 3. मतलब इसकी वेलोसिटी में से इसको माइनस कर दिया, हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ गया. मूव ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है. इसकी 2 मीटर पर सेकंड है, इसकी 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये ज्यादा तेजी से आ रहा है. इसकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 5 - 2 विल बी 3 मीटर पर सेकंड. आफ्टर द कोलिजन क्या हुआ, ये मान लीजिए 6 और ये मान लीजिए 3 स्पीड से जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हुआ, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, दैट विल बी v2 - v1 बेटा. सो डियर स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पे e जो है, इट विल बी, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन. समझ गए ना बात बेटा. और बच्चों वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, ये आपका राइट बेटे, इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, ये आ गया. कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं. अब बेटे ये जो कोफिशियंट ऑफ रेजिलेंस है, चलिए मैं टाइप डिस्कस करने से पहले इसकी बात कर लूं जरा. इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक वेरी करती है कोफिशियंट ऑफ रेजिलेंस की. और बेटा जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इसके लिए E1 होता है, याद रखिएगा. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता रहा है. और बेटे जो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, इसके लिए E आपका बेटे 0 हो जाएगा. और जो सिंपली इलास्टिक है, परफेक्टली वर्ड ना अगर हम लगाएं, तो उसमें आपका E जो है ये 0 से लेकर 1 तक वेरी करता है, कोई भी वैल्यू उसका आ सकता है. तो ये प्योरली कोई नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी 0 से लेकर 1 तक वेरी करती है, और कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएशंस आपको मैंने बता दी है बेटा. अब आइए बच्चों, ये तो टर्म आपका था कोलिजन के साथ रिलेटेड था, हमें करना ही पड़ना था, पहले कर लेते बाद में कर लेते. अब आइए जरा डिटेल में इलास्टिक कोलिजन की बेटे बात करें. शुड आई रब दिस बेटा, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म इलास्टिक कोलिजन बेटा, और इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक से कैसे अलग है, इनको डिफ्रेंशिएट करना भी आप लोगों को आना चाहिए. सो आइए बेटे देखें, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की बात कर रहा हूं बेटा मैं. 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, वो रिजल्ट्स फिर देखेंगे कभी. इसमें बेटे 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं. पहली बात ये है, आपका मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहता है, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, राइट बेटे. और दूसरी बात, टोटल एनर्जी इट आल्सो रिमेन्स कंजर्व, ठीक बेटा. और तीसरी बात, इस कोलिजन में खास करके काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है. मतलब आपके ऑब्जेक्ट्स की बिफोर द इंपैक्ट एंड आफ्टर द इंपैक्ट काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, टोटल एनर्जी भी सेम रहेगी. इसका मतलब है कि एनर्जी का लॉस नहीं ना हुआ बेटा, यही मीनिंग हो गया. और दूसरी बात, मोमेंटम आपके सिस्टम का जो है वो कंजर्व रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है. अब आइए इन आइडियाज को बेटे 1 by 1 हम अपने यहां पे अप्लाई करके देखें. इस केस में मैं इधर से डायग्राम से स्टार्ट करता हूं बेटा.
So we have say m1 mass of the first object moving with velocity u1, or m2 mass moving with बेटे वेलोसिटी u2, और u1 को हमने बेटे u2 से बड़ा कह दिया, ज्यादा कह दिया, तो डेफिनेटली कोलाइड करेंगे, है ना। अगर बेटे ये कोलाइड कर गए तो कुछ ऐसी चीज बन गई, यहां पे इनके बीच में कोलिजन हो गया बेटा। कोलिजन के बाद आपका पहला ऑब्जेक्ट v1 स्पीड से एंड सेकंड ऑब्जेक्ट आपका बेटा v2 स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देता। ये डायग्राम आपको साथ में बनाना पड़ेगा, राइट। अब देखिए मोमेंटम उन्होंने बोला है कि इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहता है, तो मोमेंटम बिफोर द कोलिजन बेटे जरा देखना, m1 u1 पहली बॉडी का मोमेंटम, मैं वेक्टर थोड़ा स्किप कर रहा हूं, नहीं तो बार 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 वेक्टर डालना पड़ेगा, आप डाल सकते हो, प्लस m2 u2 इसका मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन m1 v1 प्लस बेटे m2 एंड v2। जरा चेक करिए कोई बात इसमें ऐसी तो नहीं जो नहीं पता चली आपको, बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम इक्वेट किया है, कुछ किया नहीं हमने, राइट। डियर चिल्ड्रन, ये आपका जो है m1 वाली चीज में इधर ले आता हूं, m2 वाली इधर ले जाता हूं, थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाएगा रिजल्ट हमारा, हो जाएगा ना। इट विल बी m1 एंड u1 माइनस v1 लिख दूं, फिर मैं इसको इधर ले आऊं, तो अगर दिस इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, जरा चेक करके बताइएगा, ऐसे लिख सकते हैं। दिव्या, गुरसिमरन, इश्नूर, बाकी बच्चे भी प्रेजेंट हैं, बट मैं सारी लिस्ट के नाम नहीं बोल रहा हूं। इज इट क्लियर दिव्या? ओके, इसको मैं बेटे फॉर द टाइम बीइंग इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, राइट बेटा। अब बेटे पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी नमन, इसकी कितनी होगी? यस, इट विल बी, इधर से लिखता हूं मैं थोड़ा, 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, और दूसरी की बेटा, वेरी गुड, 1/2 m2 u2 स्क्वायर सहज, तीसरी की बिल्कुल ठीक बेटा, 1/2 m1 v1 स्क्वायर, और आदित्य तीसरी चौथी बॉडी की बेटा m2 v2 स्क्वायर, राइट बेटा, ठीक। अब देखो बेटे इक्वालिटी साइड के, इक्वालिटी साइन के सॉरी, दोनों तरफ हाफ कॉमन है, तो अगर मैं ऐसे कर दूं बेटे कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना, मैनेजेबल ही है। मैं बेटे देखो फिर से आपका जो m2 वाला टर्म है इसको इधर ले जाता हूं, इसको m1 वाले को इधर ले जाता हूं, आई विल बी हैविंग m1 u1 स्क्वेयर माइनस m1 v1 स्क्वेयर इज m2 v2 स्क्वेयर माइनस m2 u2 स्क्वेयर। जरा चेक करके बताइए ऐसा है, ऐसा है बच्चों, है ना। अच्छा बेटे एक चीज और देखिएगा, अगर मैं यहां से m1 कॉमन ले लूं लेफ्ट साइड से, इट विल बी u1 स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर कर दूं, और इधर m2 v2 स्क्वेयर माइनस u2 स्क्वेयर कर दें बेटे, देखिए जरा मैनेजेबल है ना बेटा। ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर होता है नमन? ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो वी कैन राइट दैट m1 इंटू ये आपका आ गया ए माइनस बी, ये आ गया ए प्लस बी, ये आ गया m2, ये आ गया ए माइनस बी, ये आ गया ए प्लस बी। जरा चेक करिएगा कोई टर्म ज्यादा या कम तो नहीं लिखी गई, क्लियर है?
अब बेटे मैं इसको इक्वेशन को यहां लिख लेता हूँ साइड पे निकाल के, बिकॉज वी विल बी रिक्वायरिंग इट ऑन एंड ऑफ अगेन एंड अगेन. सो ये था आपका एम वन यू वन माइनस वी वन, यू वन प्लस वी वन, इट इज एम टू वी टू माइनस यू टू, वी टू प्लस यू टू. इसको मैं इक्वेशन नंबर टू बोल दूं, जरा चेक करके बताइए कोई दिक्कत बात तो नहीं है. कर सकते हैं हम ऐसे बेटे, है ना. अब देखिए अगर मैं टू नंबर को वन नंबर से डिवाइड कर दूं तो मेरा और भी ज्यादा आसान हो जाएगा ये इसके साथ डील करना. इक्वेशन नंबर टू को अगर हम बच्चों वन नंबर से डिवाइड कर दें इसको इससे, तो काफी फैक्टर्स आपके कट जाएंगे. आइए देखें करके, एम वन यू वन माइनस वी वन, यू वन प्लस वी वन, इन द डिनोमिनेटर एम वन यू वन माइनस वी वन, राइट साइड पे एम टू वी टू माइनस यू टू, वी टू प्लस यू टू, इन द डिनोमिनेटर एम टू वी टू माइनस यू टू. देखिए पुत्र जरा ऐसे हो सकता है. हाँ जी नमन बताओ बेटा ऐसे हो सकता है कि नहीं. फिर तो देखिए M1 भी कट गया, ये माइनस वाली बात भी कट गई, M2 भी कट गया, ये माइनस वाली बात भी कट गई, है ना बेटे. हमारे पास एक्सप्रेशन हमारा काफी ज्यादा रिफाइन हो गया, छोटा रह गया है. आइए इसको रीराइट कर लें और आगे चलें कैसे डिस्कस किया जा सकता है. लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटे. आपके पास बचा गया U1 प्लस V1, ऑन द राइट साइड V2 प्लस U2. चेक करिएगा कोई टर्म ज्यादा या कम तो नहीं रह गई. ठीक है. अच्छा बेटे यहां पे मैं ये बात प्रूव कर सकता हूं कि ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ये E1 के बराबर होता है. मैं बीच में साइड पे कर देता हूं, ये इसका पार्ट नहीं होगा. ठीक है. अगर मैं देखिए V1 को इस तरफ ले जाऊं, I will get V2 minus V1, इसको मैं इधर ले गया, U2 को इधर ले आऊं, I will get U1 minus U2, ये आ गए, इक्वेट हो गए. आपको पता है आपको ये सारा ही मैं जो लेफ्ट साइड है राइट साइड की तरफ ले जाऊं तो I will get 1 V2 minus V1 upon U1 minus U2. जरा चेक करिएगा, इसको उठा के मैं इसके डिनोमिनेटर में ले गया, एक ही बचा. फिर तो ये चीज को ही हमने बेटे ही बोला था, जरा चेक करिएगा, इसको ही बोला हुआ है ना. तो आप कह सकते हैं आपका ई जो है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए वन आ गया. चलिए अब तो आपके पेपर्स वैसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप हैं. जब सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था तो एग्जामिनर सेपरेटली पूछा करते थे कि आप प्रूव करके बताइए कि कोफिशियंट ऑफ रेजिलेंस इज इक्वल टू वन इन द केस ऑफ द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. तो पूछेंगे अब भी, लेकिन अब थोड़ा और तरीके से पूछ लेंगे, पूछना तो उन्होंने है ही है बेटा. सो ये वाले स्टेप्स बेटा इस आर्टिकल के फर्दर पार्ट नहीं, ये सिर्फ आपको मैं प्रूव ही करके दिखाना चाहता था. तो आइए इनको साइड पे लिख लेना, नोट कर लेना. आइए अब आगे कंटिन्यू करें बेटा, इस इक्वेशन से आगे चलें. चलें, टाइम अलाउ नहीं कर रहा वैसे, फिर भी एक आधा स्टेप लिख लेते हैं. ये रब कर दूं मैं, बोलो पुत्र जी. हाँ जी क्या कहते हो. ओके. सो बेटे यहां से मैंने वी वन निकाल लिया, दिस इज इक्वल टू वी टू प्लस यू टू माइनस यू वन. ये वी वन मुझे मिल गया. इस वी वन को हम आगे इसमें सब्स्टिट्यूट करके वी टू निकालेंगे,
ठीक, वो V2 को वापस यहां पे पुट करके V1 निकालेंगे, ये V1 विदाउट मास वाली टर्म्स के बिना है ना, ये इसमें मासेस नहीं आ रहे दोनों पार्टिकल्स के। हम क्या करेंगे, ये V1 का वैल्यू ध्यान से देखिएगा बेटे एक बार, इस V1 के वैल्यू को यहां इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे, V2 निकल आएगा, फिर वो V2 यहां पुट कर देंगे, V1 दोबारा हमें मिल जाएगा। तो फिर ये कल करेंगे, अभी फिर थोड़ा लेंथी है ये, अभी होगा नहीं पूरा। सो थैंक यू ऑल बेटा, नेक्स्ट टाइम इसको कंप्लीट कर लेंगे।